Martin. गीता की भाषा में कहते हैं ज्ञानी आत्मा को देव। सो 10,000 की कल पीसी प्रवास आए पीसी प्रवास की चार दिन करते हैं 10,000 का एसबीआई सेविंग बैंक में बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का मिलता है टैक्स फ्री होता है 10,000 का कौन से सेक्शन में टैक्स नहीं लगता है सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए का टैक्स नहीं लगता है कौन से सेक्शन में नहीं लगता है सेक्शन 80 आगे पढ़ा कौन सा स्टूडेंट सीखे सर तो बड़ा तार बोल गए आपकी चर्चा होती है आपने कि साहब पासवर्ड बदल दे तो याद कैसे रखें
डॉलर। हमने कह दिया साहब पाँच लाख रुपये में बदलो, एंड वेरी ऑनेस्टली मेरे से विचार नहीं बदला, कई बार नहीं बदल पाता है, बीइंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं बदल जाते। हाँ, तो ये जरूर है कि पासवर्ड कॉम्प्लिकेट रखो, और जैसे संजय साहब ने कहा कि भाई ईमेल के पासवर्ड है, इसके पासवर्ड है, मतलब आप पासवर्ड पासवर्ड से गिरे हुए हो, तो आपको और जिस एक्सेल में आप डाल के पासवर्ड सेव करो, तो एक्सेल का पासवर्ड आप भूल जाते हो, तो ये भी हो जाता है, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे पासवर्ड का, तो बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसका एक बहुत आसान तरीका मैं अगर ये बोलूँ, तो कई वेबसाइट्स आजकल आई हैं जो कि पासवर्ड के लॉकर की तरह आई, एंड देयर सिक्योरिटी लेवल्स आर ऑफ एक्सट्रीम हाई क्वालिटी। तो मैं यूज करता हूँ लास्ट पास, मेरे मोबाइल पे भी है, मेरे डेस्कटॉप पे भी है, मेरे लैपटॉप पे भी है, वो एक लास्ट पास है, और भी कई तरह के आते हैं, उनका सिक्योरिटी लेवल आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने अपने सारे बैंकिंग पासवर्ड, मेरा अपना जीमेल का पासवर्ड, मेरे जो भी पासवर्ड होते हैं, वो सब मैंने उस लॉकर में डाल रखे हैं, ऑनलाइन लॉकर में डाल रखे हैं, स्टोर कर लेता हूँ। हाँ, मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं डाल रखे। तो बैंकिंग अकाउंट के दो पासवर्ड होते हैं, एक इसका बैंक अकाउंट खोलते हो और एक इससे आप ट्रांजेक्शन करते हो। मैं ट्रांजेक्शन के लिए आज भी OTP यूज करता हूँ, बिकॉज दैट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड में फिर भी नहीं डाल रहा, वो भी आज भी मेरे मोबाइल पर OTP या मेरे मेल पर आता है। बट हैविंग सेड दैट, जो अकाउंट खोलने होते हैं, आप कई बार एक प्रकार का तो क्या होता है, वो चार पाँच अकाउंट हैंडल करता है, तो हम वो लास्ट पास में हम डाल सकते हैं। लास्ट पास आपको सर्टेन क्वांटिटी फ्री मिलता है, उसके बाद जाकर वो पेड होता है, तो टू दैट एक्सटेंट आप लोग के लिए फ्री होगा। एंड इट्स अ प्रीटी अच्छा लास्ट पास के अलावा और भी कुछ हो सकता है, यू कैन यूज इट, ये जस्ट फॉर आवर जनरल इंफॉर्मेशन। तो नाउ आई कम टू दैट टॉपिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो देखिए, एक रेलवे स्टेशन और म्यूचुअल फंड में बहुत समानता है। रेलवे स्टेशन और म्यूचुअल फंड की, मतलब अगर मैं बहुत एग्जांपल, जब भी मेरे को टीम में एंटर करता है, उनकी चीज़ें समझाता हूँ। आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कई तरह की ट्रेन, अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग तरह की अलग अलग जगह जाने की ट्रेन अवेलेबल है। आप कोई सी भी ट्रेन पकड़ लेंगे, क्या करेंगे? तो हम जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन पे जाने वाले उस ट्रेन को पकड़ लेंगे, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो म्यूचुअल फंड, अगर मैं रेलवे स्टेशन की थोड़ी और चर्चा रेलवे की करता हूँ, तो रेलवे स्टेशन एक प्रोफेशनल मैनेज कंपनी की तरह बनाया गया है। उसमें मैनेजर कोई और है, ड्राइवर कोई और है, कंडक्टर कोई और है, सफाई करने का कोई और है। आप तो जाते हैं, अपना टिकट कटवाते हैं, चाहे ऑनलाइन करना है, फिजिकली करना है, अपना टिकट कटवाते हैं, अपनी बर्थ मिलती है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, जहाँ आपका गंतव्य स्थान आता है, आप वहाँ पर उतर जाते हैं। मेरा काम वहीं पर खत्म हो जाता है, इसके बियॉन्ड आप कुछ करते हैं नहीं करते, ठीक है? एग्जैक्टली ये कहीं रेप्लिकेशन, अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डालूँ तो वो म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे अलग अलग जगह जाने वाली अलग अलग ट्रेन अवेलेबल है। आपको जहाँ जाना है, आप वो आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे जाना कहाँ है। आपको जिस जगह जाना है, आप उस ट्रेन का टिकट करवाते हो, या उस पर्टिकुलर स्कीम में, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, और आप उसमें बैठ कर आपकी जब जगह आने वाली है, तो आपको वहाँ से उतर जाना है। अगर सिंपल सी भाषा को मैं कहूँ, तो ये म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड में आपने क्या करना है। तो अगर उसको रेप्लिकेशन में बोलूँ, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली इज अ आउटसोर्सिंग एजेंसी फॉर योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड एक आउटसोर्सिंग एजेंसी, आप जाने में अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, तो आप टैक्सी कर लेते हैं, या बस कर लेते हैं, या प्लेन में चल जाते हैं, ट्रेन में चल जाते हैं। तो आपने उस जर्नी के लिए किसी को आउटसोर्स कर दिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, उसकी अपनी फीस होती है, आप अपनी वो फीस दे देते हैं, और आप उसको फीस लेके वो लेकर वो आपको जगह बैठने की जगह देता है, आप उसको चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली वी कॉल इट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली कंपनी है जो कि आपके बिहाफ पे कोई पैसे को मैनेज कर रही है। वो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम चलाते हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य होता है। हमें ये समझना जरूरी है कि उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के हिसाब से हमें उस ट्रेन में जाके बैठना है। तो दे आर प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, नंबर वन सबसे बड़ी बात आती है। दूसरी बात आती है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, पहली बात ऐसा हो जिसको म्यूचुअल फंड में आज तक निवेश नहीं किया, हाउ मेनी ऑफ यू नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, 1 2 3 4 5 6 7
क्यों नहीं किए? ऐसा जानते हैं? Heard of it? अच्छा, चलिए without even disclosing figures, तो जरूर अभी सेशन आपको होता है, मेरा सेशन नहीं है, आप ने कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? मिनिमम है
तो अगले दिन वो दोबारा एक के साथ में बोले भैया हमने ना एक बैंक में अकाउंट खुलवा लिया है, अब 250 रुपये वो जमा कराएगा, 250 रुपये जमा कराऊंगा और हम दोनों ज्वाइंट अकाउंट से वो पैसे कर लेंगे। तो आई बैंक में लगाना है तो कैसे लगाओ? 10 जगह अकाउंट खुलवाएंगे, हम बोलेंगे जी म्यूचुअल फंड
धातु और दस जगह इस तरह शेयर्स में लगा है, शेयर्स में लगा है, सब नहीं कहता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज एन एम्पल लिक्विडिटी। आप आज बोलो और आपको तीन दिन के अंदर मैक्सिमम पैसा आपके बैंक में पहुंच सकता है। देयर इज एन एम्पल लिक्विडिटी टू गेट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा मैनेज करते हैं। 95% स्कीम्स में पैसा आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल जाता है। Debt is something
something called lending investments. That is something called lending investment. मैंने अपने आप को 8 घंटे lend कर दिया और मुझे salary मिलती है 1,00,000 रुपए महीना. तो I have lent myself to a person who is running the business. So let's say someone is running Manasali. मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपने आप को कैपिटल, आई एम ह्यूमन कैपिटल, मैंने अपने आप को लेंड कर दिया. सो आई हैव टू लेंड मायसेल्फ टू समवन एंड दैट पर्सन पेज कॉम्पनसेशन ऑफ माय लेंडिंग इन टर्म्स ऑफ माय सैलरी. तो वो होता है लेंडिंग इन्वेस्टमेंट. इसी तरह का कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल जिसको पैसा कहते हैं, उसको अगर हम लेंड करते हैं तो उसके उसको उसके जो मिलता है उसको सैलरी में क्या क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. तो अ डेट इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोडक्ट विच गिव मी इंटरेस्ट. A product which gives me interest is technically called a debt investment. So, आप इस चीज को lending कर सकते हैं. Let's understand. इस चीज को lending कर सकते हैं. आप lending कर सकते हैं bank में करते हैं. तो आप bank में saving bank account खोलते हो, आप bank में FD कराते हो, आप RD कराते हो. आप government को lending कैसे करते हो? Provident fund के थ्रू करते हो. आपने अगर PF में पैसा जमा करते हो, उधार किसके सर पे? Bank के सर पे, government के सर पे. आप किसी corporate को करा सकते हो. तो कॉर्पोरेट को लेंडिंग कराओ तो किसी की कंपनी की एफडी में पैसा लगा दिया, ये हो गया. आप किसी प्राइवेट पार्टी को दे सकते हो, आपने आशीष को दे दिया पैसा, तो आशीष आपको ब्याज दे रहा है. कई तरह की लेंडिंग हो सकती है. तो इंस्ट्रूमेंट इन म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन टू अ लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डेट. ठीक है. इसके अलावा अगर डेट का ही क्लासिफिकेशन कर लिया जाए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लिक्विड इन्वेस्टमेंट, इसको कैश इन्वेस्टमेंट कहते हैं. लिक्विड इन्वेस्टमेंट ये बहुत बहुत काम की चीज है. आई स्पेंड सम टाइम ऑन कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं. प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मेबी दैट विल गिव यू. आप लोग मैंने सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं, क्यों रखते हैं? मैंने कहा था हम जनरली इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं, राइट? सेविंग बैंक में क्यों रखते हैं? कि कभी भी हमें पैसा मिल जाए. तो हम उसको टेक्निकल में बोलते हैं कि वो लिक्विड पैसा है, कभी मुझे पैसा मिल जाता है, मेरे को तरल 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 मिल जाता है. अब मुझे सेविंग बैंक में कितना ब्याज मिलता है? 4%. किसी किसी बैंक में 5 मिल जाता है, और बहुत ज्यादा पैसे रखो तो 6 मिल जाता है, राइट? पर अमूमन 4% मिलता है हम आपको नॉर्मली. अब आप ये मानिए कि वो पैसा रखना भी जरूरी है. अच्छा, अगर मैं पैसे बैंक में रखता हूँ, उसको मैं इमरजेंसी फंड बोलता हूँ, जैसे हम लोग कई करते हैं, तो जैसे हमने बोला कि इमरजेंसी फंड गायब हो जाता है, सेविंग अकाउंट खत्म हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बैंक में पैसे बहुत कम हो गए, ऐसा होता है कभी हुआ? अब अगर ऐसा हुआ उस समय इमरजेंसी आ गई तो कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा कि हम एक अपने पर्स के अंदर एक जो अंदर की कोई पॉकेट होती है, हम वहाँ पैसा रखते हैं, तो उस पैसे को नहीं निकालते. तो हमने एक सेविंग बैंक में रखे. अब मैं अगर सेविंग बैंक में पैसा ना रख के मैं ऐसी जगह रखूं जहां मुझे पैसा भी कभी भी मिल जाए, एट अ इंस्टेंट मुझे पैसा मिल जाए, और मेरा पैसा अमूमन एक साल की एफडी के बराबर कमाए, एक साल की एफडी 8,000 में ब्याज कितना देती है? कितना? 10%. कौन सी एफडी देखी? मैं अपने सारे पैसे दे दूंगा, मैं सारे पैसे दे दूंगा अपने आप से. एक कोई ऐसा बैंक बता दो 10% ब्याज देती है. सेविंग बैंक के लिए क्या है?
लिक्विड फंड, लिक्विड फंड का माध्यम से आप एक साल के एफडी के बराबर का ब्याज डे टू डे बेसिस पे कभी भी ले सकते हो। कॉर्पोरेट में इसे कहते हैं वीकेंड मनी। क्या कहते हैं? वीकेंड मनी। वो फ्राइडे को डाल देते हैं, मंडे को निकाल देते हैं। कॉर्पोरेट फ्राइडे को डाल देते हैं, मंडे को, फ्राइडे से साढ़े सात बजे की छुट्टी होती तो बोले दो दिन बैंक में रखी है पैसा, फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंडे को विड्रॉ कर लेते जब जरूरत होती। मेरे को मेरा पेमेंट मान लो 10 तारीख को मिलता है, मुझे पेमेंट 25 तारीख को करना है, मैं बैंक में देता, मैं लिक्विड फंड डाल देता हूँ और जब मर्जी हो तब कुछ निकालता हूँ। आप लिक्विड फंड का मैनेजमेंट कितना आसान होता है, अपने आशीष जी आपको म्यूचुअल फंड में डील करते हो फाइनेंशियल वर्सेस करेंसी को इसलिए आप कर लेते हो। अब आपके अगर आपको ये बोलो कि आपको एक SMS भेजना है, क्या भेजना है? SMS। और SMS भेज के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SMS भेज के आप विड्रॉ कर सकते हो, तो कितना आसान। या आपको एक छोटा सा ऐप दे दो, ऐप को टैप करो और बोलो जी पैसे निकाल दो लिक्विड फंड में। आपका लिक्विड फंड आपके बैंक से जुड़ जाता है। जब जब आप बैंक से जुड़ जाते हैं मतलब लिक्विड फंड और बैंक अकाउंट अलग अलग हो गया। अब उससे दो फायदे क्या हो गए? नंबर वन, आपके बैंक में पैसा कम रहेगा तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कि मेरे बैंक में 40,000 रुपए थे, मैंने उसको 20,000 रुपए लिक्विड फंड डाल दिया, मेरे खर्चे करने की लिमिट क्या होगी? 20,000। तो मैंने उस पैसे को बैंक में लिक्विड फंड में रख दिए। अब मुझे लिक्विड फंड से कभी भी निकालना होता है, एक घंटे वापस से बैंक में आ गए। दूसरा ये इमरजेंसी फंड बन जाता है। तो मैंने जब कई बार फंड को समझाया तो उन्होंने बोला यार ये अच्छी चीज है, पैसा तो बच गया। तो नंबर वन फर्स्ट थिंग दैट यू कैन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इन योर पर्सनल लाइफ इज दैट यू कैन यूज लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक साल की एफडी के बराबर ब्याज क्यों देता है? समझे इसमें तो एक साल की एफडी के बराबर ब्याज क्यों देता है? आपने कभी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सुना है? क्या होता है? मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है या मुझे रिटायरमेंट।
प्लानिंग करनी है, मुझे कहीं तो पहुंचना है, तो मैं उसको डिस्टेंस से नाप लेता हूँ। और जब वो डिस्टेंस से नाप लेता हूँ तो मैंने उसको सिंप्लीफाइड भाषा में आप लोगों के लिए कर दिया, 10 महीने या 10 साल, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इज द बेस्ट ऑप्शन इज वी कैन गो इन फॉर अ लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट। और आप पैसा रखिए, एक साल के बाद एफडी का पैसा कमाइए, जब मर्जी आपका पैसा आप निकाल लो, आपके हाथ पे लिक्विडिटी है। तो दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिंग इन अ लिक्विड फंड। बहुत कई तरह के लिक्विड फंड है, एसबीआई के है, अगेन बैंक नहीं है, सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए एसबीआई है, एक्सिस है, टाटा है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, सुंदरा बैंक है, आईसीआईसीआई है, यू हैव एवरी अदर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स हु ऑल ऑफर यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, आप इसको करवा सकते। उसके बाद फिर आता है, लेट्स से आई स्ट्रेट अवे कट टू 10 ईयर मनी इक्विटीज। हम लोग सब इक्विटी से घबराते हैं, कितने लोग घबराते हैं शेयर्स, घबराते हैं, क्यों घबराते हैं? रिस्क ज्यादा है। ओके ठीक है, तो इसको पर रिस्क को भी समझेंगे, रिस्क ज्यादा क्यों लगता है। तो पहले तो ये समझें कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है, टॉक अबाउट रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ओके, लेट मी टॉक अबाउट ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। टॉप ऑफ दिस रिस्क फैक्टर और वर्क, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कंपनी, आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अमूमन लार्ज कैप में कर सकते हो, बड़ी कंपनी पैसा डाल सकते हो। अच्छा, आप में किसी का 18-15 साल 20 साल का कोई लड़का लड़की, एनीवन इज नॉट, आपके क्या कर रही है लड़का, बीकॉम से किया, कल को वो आईसीआईसी बैंक में ज्वाइन करते हैं, वुड यू बी हैप्पी, एचडीएफसी बैंक में नौकरी लगे, और मे बी, हाँ जी, प्राइवेट में नहीं, पहले तो देखिए मिथ्या निकालते हैं, चलिए इन्वेस्टमेंट करें ना, थोड़ी मिथ्या है, आप बीमार पड़ेंगे तो कौन सा अस्पताल में जाएंगे, प्राइवेट या हॉस्पिटल या गवर्नमेंट, प्राइवेट में, बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं, टोल रोड है या विदाउट टोल रोड है, टोल इसमें एक जीजीके ने बनाया है और आपसे 75 रुपए टोल लेती है, और एक गवर्नमेंट की बनाई हुई रोड है, आप कौन सी रोड पर प्रेफर करेंगे सर, टोल बस, इतनी बड़ी समझ से बड़ी है, हमारी समझ ये है कि अपनी हेल्थ को लेके, अपने बच्चे की शिक्षा को लेके, ठीक है ना, वो प्राइवेट प्राइवेट के रामायण जा रही है, ठीक है ना, और जहां हम पैसों को लेकर आ रहे हैं उधर वो सेफ है, हमने करियर को लेकर आते बोले वो सेफ नहीं, ये सेफ और अनसेफ आपके माइंड में है, उस चीज को जगह आपको हटाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में नहीं होगा, चीज में नहीं होगा, राइट। सो वेल टाइम्स हैव चेंज, लेट मी अंडरस्टैंड, मेरा फ्रेंड गया मस्कट, वो कुछ फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए मस्कट चले गए, कुछ चले गए दुबई, कुछ चले गए वहाँ, टैक्स नहीं लगता, मेरा टैक्स नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता था, क्या हुआ वहाँ गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करना चालू कर रही है, टैक्स चार्ज करना चालू कर रही है। यूएस क्या कर रहा है, अब यूएस ने क्या किया है, वो H1B1 कुछ बोल रहा है, ट्रंप उनका डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है वो, बोले कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में रहने दो, अब क्या होगा, इंडिया का टैलेंट जो कि हम लोग भागना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, पीपल विल स्टे इन इंडिया, टाइम्स आर चेंजिंग, आप 1980 के दशक में जाना चाहते हो कि 2040 के दशक में जाना चाहते हो, पर हम बात 1980 के दशक, हम बातें करते हैं वहां की क्या होने वाला जाना चाहिए, वहां थे, हम बात फ्यूचर की करते हैं, इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी तकलीफ होगी जब पास की बात करते हैं, या टू फ्यूचर से या टू विजनरी तो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक, व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक होगा, बट इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, जैसे कि एसबीआई बैंक की देखिए, यस और नो, ठीक है यस मान बोलेंगे, और आईसीआईसीआई बैंक सेफ नहीं है, आप आरबीआई गवर्नर से पूछिए उनकी स्टेटमेंट की 6 महीने पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंडियन इकॉनमी, कौन बोल रहे हैं, आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंडियन इकॉनमी, ये उनकी स्टेटमेंट है, गूगल पे सर्च करिए, क्योंकि उनका जितना ज्यादा एनपीए वो पूरी कोई इकॉनमी को हिला सकते हैं, आपको टेक्निकल में नहीं भेजूंगा, क्यों क्यों जा सकते हैं क्या जा सकते हैं,
एलआईसी ऑफ इंडिया की कौन कौन से एक्सपेंस है? एलआईसी ऑफ इंडिया आप सब करते हैं ना उसमें इंटरेस्ट में। यशवंत सिन्हा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका पार्लियामेंट में पोस्ट मतलब नॉट मिनिस्टर थे पर उनका मतलब ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर वंस एंड समवेयर इन 2006 और 7 उन्होंने पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है दैट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। किसने कहा? एक्स फाइनेंस मिनिस्टर 12 फरवरी 2007 का एक मेरे पास लेटर हेड पे लिखा हुआ एक लेटर पे लिखा हुआ एक लेटर है। किससे लिखा हुआ? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हु? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट ही इज राइटिंग? ही इज राइटिंग टू ऑल हिज मैनेजर्स एंड जोनल मैनेजर्स एंड सब डिविजनल मैनेजर्स। उन्होंने एक लेटर शूट करा अपनी डेस्क से एंड व्हाट वाज द लेटर ऑल अबाउट? स्टॉप मिसगाइडिंग पीपल। कौन लिख रहा है सर? कौन सी कंपनी का? एलआईसी का। किसको लिख रहा है? उनके कंपनी के सारे मुलाजिम कि यार ये मिसगाइड मत करा करो और हम बोलते हैं उसे हमको पता ही नहीं। ये इसलिए पर्सनल फाइनेंस बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा आपकी पर्सनल में पता ही नहीं है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता इसलिए हम ग्रंथियां बनाए बैठे होते हैं। बिल्ली के दांत रास्ता कटने से अशुभ होता है उसमें कितने हुए होंगे?
6 crore થઈ જતા. This is the return what equity can give. This is the return what equity can give. इतने मल्टीपल टाइम्स यूज करेगा, मल्टीपल टाइम्स. दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईएनएसएस. क्या है ईएनएसएस? बेसिकली एक इक्विटी पोर्टफोलियो है. पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बास्केट ऑफ सिक्योरिटी. तो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड आपके यहाँ पे अलग अलग बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको एक बास्केट ऑफ शेयर्स के लिए. क्योंकि आप ईएनएसएस के माध्यम से जा रहे हो, गवर्नमेंट उस पर टैक्स की बेनिफिट देती है, तो 3 साल मिनिमम लॉकिंग होता है. बाकी के पोर्टफोलियो में लॉकिंग नहीं है, इसमें 3 साल का मिनिमम लॉकिंग है. मतलब 3 मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम. मतलब उसके बाद आप पैसा निकालना चाहो तो निकालो, मत निकालो. मैच्योरिटी नहीं होती ईएनएसएस की, आप निकालने नहीं चाहो तो मत निकालो, लेकिन टैक्स बेनिफिट ले लिया. तो अगर आपने हर महीने मतलब आपने हर साल उसमें पैसा लगा दिया ईएनएसएस में, तो आपको एटीसी में छूट मिल जाएगी. और आप जब भी पैसा निकालोगे, आप एफडी करते हो तो एफडी 5 साल बाद निकालोगे तो टैक्स देना पड़ता है. ठीक है, एफडी में टीडीएस भी करता है और एफडी के मैच्योरिटी पे टैक्स भी देना पड़ता है. ठीक है, इसके रिटर्न ईएनएसएस के टैक्स फ्री आते हैं. मतलब डालते समय भी टैक्स में छूट है, निकालते समय भी टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है. अब आप ये समझे कि मेरे पास 5-6 करोड़ रुपए मेरे पास आए और मुझे गवर्नमेंट को 1 रुपए भी नहीं देना. हाँ जी, राइट. तो ये हुआ ईएनएसएस, जो कि नौकरी पेशा में सब लोग बोलते हैं कि टैक्स सेविंग. बताइए कि टैक्स सेविंग कहाँ करनी चाहिए? आप देखिए टैक्स सेविंग कहाँ करनी चाहिए. एफडी बुरा प्रोडक्ट नहीं है टैक्स सेविंग के लिए, पर कब करनी चाहिए? जब मेरी डॉटर 14 साल की हो गई हो और 5 साल बाद मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? एफडी में डालना. पर अगर मेरी डॉटर ही 1 साल 2 साल 3 साल की हो और मुझे 12-15 साल बाद पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँ? ईएनएसएस. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है. ये 10 ईयर का प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म. ये 10 मंथ सिर्फ सिम्बॉलिकली है. इसको वर्ड में मत लीजिए, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो लार्ज कैप मिड कैप हुए. और फिर मैन्युफैक्चरर कुछ और तरह के फंड बनाते हैं जिसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए. मेरा ट्रेंड धर्म में बताता हूँ जिसमें निवेश नहीं करना चाहिए, वो होते हैं थीमैटिक फंड. मतलब वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे फंड होते हैं जो पर्टिकुलर थीम पे चलते हैं. जैसे एग्रीकल्चर थीम पे चलेंगे, रूरल थीम पे चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे चलेंगे, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे चलेंगे, एमएनसी थीम है, मल्टीनेशनल कंपनी थीम पे चल रहे हैं. तो मतलब वो जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर है, जो कि आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, वो कुछ इस पर्टिकुलर थीम में ही पैसा लगाएगा. फिर कुछ होते हैं सेक्टर फंड क्या होते हैं सर? वो पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में पैसा लगाएंगे, जैसे फार्मा फंड, बैंकिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ थीम, इज नॉट अ सेक्टर. So, या टेक्नोलॉजी फंड समथिंग लाइक दैट. इनमें भी पैसा नहीं लगाना चाहिए. यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइक थी बैंकिंग और सेक्टर, नो मैटर व्हाट द रिटर्न्स आर. उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे रिटर्न की क्या कैसे क्या हो रहा है. राइट, ये कुछ तरह के प्रोडक्ट होते हैं. द बेस्ट दैट यू कैन डू, लेट मी टेल यू समथिंग दैट की थिंग दैट यू कैन डू, कैन स्टार्ट विद द लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट. बैंक में पैसा लगा के लिक्विड फंड में रख लिया आपने, उसके बाद आप अपना ईएसएस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि अपनी टैक्स सेविंग कर पाए. ठीक है, वो चीज कर सकते हैं. ठीक है ना, नाउ आई टॉक ऑफ व्हाट इट कॉल्ड 10 मंथ अ डेट प्रोडक्ट. ठीक है ना, जिसके मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सेफ है नहीं है?
Do not have. I think this is from safety. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड सेफ नहीं होगा, इसके रिटर्न मैंने -17% देखे इस साल। कितने परसेंट कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए, एक साल बाद कितने पैसे 83,000 उस 1 लाख रुपए। इसमें भी वॉलेटिलिटी आती है, इसमें भी बहुत सारी चीज होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। उस पर चर्चा नहीं करने वाले पर आप लोग को जरूरत नहीं है, बट जी से एक फंड होता है जिसमें कि आप गवर्नमेंट में बैठे। बात आती है जैसे क्या था गवर्नमेंट जिसे की बात है मार्केट लिंक। हम हर वो चीज जिससे मार्केट लिंक में डरते हैं, जैसा हाँ जी अब दुनिया देखिए 1980 की बात करेंगे 2040 की बात। एक मई के बाद भारत के पांच देशों में रोजाना पेट्रोल के भाव ऊपर नीचे होंगे। वो क्या है मार्केट लिंक है। प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट रेट क्या है पीपीएफ की, यानी बस आप ऐसा कि 0 to 12 होती थी, बहुत आसान हो जाएगी। नहीं नहीं प्लान भाई 7.0 जो यहां के पोस्ट ऑफिस में मिल रहे पीपीएफ के, और ये सर पीपीएफ हर जगह एक ही होंगे, यहां के कैसे लोग ऐसे इट्स अ डिफरेंट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑफ अ पोस्ट ऑफिस देन इट्स डिफरेंट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑफ अ बैंक देन इट्स इंटरेस्ट रेट एब्सोल्युटली नॉट। प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इंटरेस्ट रेट, और इट हैज टू बी सिमिलर टू अदर बैंक और इट इज अ पोस्ट ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट रेट 7.9 है, वो भी अभी हाल फिलहाल पिछले 15-20 महीने भर में कम हुई, ठीक है ना। 7.9% इंटरेस्ट रेट है प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अपने को लिखने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, बस आई थिंक जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड। What I'm trying to say that everything today in this world is market linked. Everything in this world today is market linked. कितने लोग NBS में हैं? Defined contribution scheme में हैं। 2004 के बाद किसे नौकरी ज्वाइन की? Government में। आपने 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 हाँ जी 20 साल NBS 20 साल में नहीं investment किया है आप 2004 के बाद ज्वाइन करिए पहले का तो आपकी पेंशन आएगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट में तो गवर्नमेंट को तुम्हारे 2004 के बाद आया, आप 2004 के बाद आए पेंशन कौन सी होगी कितनी मिलेगी पता नहीं ना। मार्केट लिंक कॉन्ट्रीब्यूट भी है पता नहीं है। सी प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग अंडर द सन इज मार्केट लिंक। मार्केट लिंक मतलब जो व्यवस्था बताएगी वो रेट हो जाएगी। तो चाहे पेट्रोल है चाहे गैस सिलेंडर है चाहे इंटरेस्ट रेट्स है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है चाहे पेंशन है चाहे कुछ भी है एवरीथिंग इज मार्केट लिंक। वी कैन नॉट गेट अवे कि मुझे जी गारंटी कुछ मिलने वाला है, कुछ भी नहीं है गारंटी, कुछ भी नहीं है। आपने प्रोविडेंट फंड में पैसे डालने शुरू करे 1 लाख रुपए साल में, आप ये नहीं बता सकते 15 साल बाद कितने मिलेंगे। 15 साल बाद क्यों? इंटरेस्ट रेट पहले 12% थी, आज 7.9% इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे पता है कितने मिलेंगे? आप 1 साल की एफडी कराते हैं 10 साल की एफडी कराइए 10 साल बाद कितने मिलेंगे पता है आपको? क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता है, राइट। तो कोई भी चीज म्यूचुअल फंड इज रादर अ फार बेटर ऑप्शन व्हिच इज से इट इज एनी वे मार्केट लिंक, इट इज एनी वे मार्केट लिंक, हर चीज मार्केट लिंक है। तो यहाँ पे डेट पे हम गवर्नमेंट को अगर लेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं जीसाई फंड। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म लेंडिंग करेंगे आपके तो हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म फंड, इसे हम कहते हैं इनकम फंड। व्हाट होता है इनकम फंड, इसको कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अब 1 साल की एफडी करानी हो, 2 साल की एफडी करानी हो, 5 साल की एफडी करानी हो, जो भी करनी हो, डेट फंड्स आर फार बेटर ऑप्शन देन व्हाट यू डू इन एन एफडी। Debt funds give you far better return than what you get in FD today. या फिर अमूमन 20% से ज्यादा 20% का टैक्स कट तो होगी सबकी 20% से होगी सबकी सर टैक्स कट। आप इक्वल अराउंड अबाउट 20-30% 20-30% कहना चाहिए। अब आप सोचिए जब आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ठीक है ना।
क्या मतलब? जब आप उसमें पैसा जमा कराते हो तो आप टैक्स पेड पैसा जमा कराते हो, आप टैक्स पे करने के बाद जमा कराते हो, यस टैक्स नहीं कर। दूसरी चीज, जब तक पैसा पड़ा रहता है उसमें टीडीएस लगता है, यस, और जब आप पैसा निकालते हो तब भी आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है, राइट। अगर मैं वो फंड डेट फंड में डालू तो मैं टैक्सेबल पैसा दे रहा हूं, जब उसको पैसा टिकाए रखता हूं तो कोई टीडीएस नहीं है, तो होता है टैक्सेबल की जगह एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है, तो इट इज टीई। और फिर जब आप पैसा निकालते हो तो वो फिर टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, पर उसकी टैक्स और एफडी की टैक्स में जमीन आसमान का फर्क। जमीन एफडी अगर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा तो डेट फंड में जो कि एफडी के रेप्लिकेटेड है, मतलब एफडी जैसा रिटर्न उसमें आता है, उसके टैक्सेशन एक इंडेक्सेशन कैलकुलेशन होता है, टैक्सेशन 10% और 5% से भी नीचे की आ जाती है, कितने आ जाती है, तो मोर ऑर लेस टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में चलेगा अगर हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जो लोग कहते हैं एफडी ना करके हम डेट फंड करें। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, क्यों म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा सॉरी ब्रेक है, अच्छा क्योंकि मेरे आने से पहले भी सेशन हो रहा था इसलिए, क्योंकि मुझे तो जरा एक ब्रेक थी। चलिए जी, फाइनेंस टेक 2 मिनट्स एंड कंप्लीट द डेट फंड एंड अदर नोट वांट टू बी टेकिंग अप। Why you better start understanding mutual fund if you want to increase your, you want to better your financial life. US में banking industry कितनी है तो mutual fund industry कितनी है, India में भी वो उसी अग्रसर है, people will have more money, but only thing is we have to accept certain rules and regulation of that particular area. वो उसी तरफ अग्रसर है, अब जो जितना लेट वहाँ एंट्री करेगा उसको उतनी तकलीफ आएगी। इस लाइक जी मैंने तो इंटरनेट नहीं सीखना, क्या करोगे आज से, आज से अगर 15 साल पहले 20 साल पहले तो बोलते मुझे इंटरनेट नहीं सीखना, उस टाइम चल जाता था, आज चलेगा, यू कांट वर्क विद इट, राइट। सो सिमिलरली पीपल वुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल फंड इज द वे दैट पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कम से कम 40,000 करोड़ रुपए इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट के पैसे कौन पैसा जिसको आप सेफ समझते हो वो पैसा कहां लगा बैठा है आपका पैसा, सो म्यूचुअल फंड का दैट काइंड ऑफ मॉडल इज दैट आई जस्ट लीव सो आई विल एक्सप्लेन यू 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डेट लिक्विड एंड इक्विटी। डेट, सो लिक्विड इज फॉर 10 डे, इट इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेट इज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। जब भी वो 3 से 5 साल के पैसा आपको 2-3 साल पैसा के रखना हो you can opt for a debt fund, और जब आपको लंबी अवधि के पैसा रखना हो you can opt for an equity fund, ठीक है जी। probably इसके बाद जो है मेरी देर में करने से पैसे मिलेंगे। 10 minutes so I'll be here. Thank you.